So in this lecture, we are going to say the next shading method, that is Phong shading algorithm. So this is similar to the God shading that we have discussed in previous lecture. So it overcomes the disadvantages caused by the match band created by the God shading. Okay, so how it works, that we'll see. So Phong shading is more accurate method for rendering a polygon surface. In this method, we interpolate normal vector and then apply the elimination model to each surface points. Same hai ki what is interpolation method, mathematical model. Agar do end points ke hume intensities pata hai, to we can find out the intensity of any point in between, right? सो यहाँ पे उसे नॉर्मल वेक्टर से डिनोट किया गया है n1 n2 से, राइट? और गॉड शेडिंग में उसे i1 i2 से डिनोट किया गया था, ठीक है? सो दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज द नॉर्मल वेक्टर इंटरपोलेशन शेडिंग. सो इट डिस्प्लेज मोर रियलिस्टिक हाइलाइट्स ऑन द सरफेस एंड ग्रेटली रिड्यूसेज द मैच बैंड इफेक्ट. एज वी सॉ, मैच बैंड इज द disadvantages of God shading, which is created by the God shading, which is greatly reduced by this Phong shading. ठीक है, so now we will see the steps of this Phong shading. So steps for Phong shading are, first is that determine the average of unit normal vector at each polygon surface. सेम जैसे हमने नॉर्मल वेक्टर निकाला था, सपोज दिस इज द पॉलीगॉन एंड इफ यू कंसिडर दिस वर्टेक्स. सो ये वर्टेक्स कितने पॉलीगॉन को कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है, दैट इज़ n1, n2 एंड n3 को. सो इसीलिए इसका नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3. सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉलीगॉन सरफेस. ओके, देन सेकेंड, लीनियरली इंटरपोलेट द वर्टेक्स नॉर्मल ओवर द सरफेस ऑफ पॉलीगॉन. थर्ड, अप्लाई इल्यूमिनेशन मॉडल अलॉन्ग इच स्कैन लाइन टू कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड पिक्सेल इंटेंसिटीज फॉर द सरफेस पॉइंट. सेम हमें उस पॉइंट की क्या करनी है, सरफेस इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग लीनियरली इंटरपोलेशन मेथड. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द नॉर्मल वेक्टर एन फॉर द स्कैन लाइन इंटरपोलेशन पॉइंट अलॉन्ग द एज between vertices 1 and 2 can be obtained by vertically interpolating between edge endpoints. So using edge endpoints we can find out the interpolation point along the edge between vertex 1 and 2. तो ये कैसे निकालते हैं, तो suppose this is the polygon and this is the scan line. This is the polygon n1, n2, n3. These are the endpoints of this polygon and this is the scan line. ठीक है, तो अभी इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x1, y1, n2 के x2, y2 एंड n3 के x3, y3 वी कैन कंसिडर. ठीक है, ना अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n1 एंड n2 को ये स्कैन लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट? दैट इज़ एक्स वाई की वैल्यू. तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लीनियरली इंटरपोलेट करेगा. अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लीनियरली इंटरपोलेट करेगा फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स इन बिटवीन वर्टाइसिस और एजेस 1 एंड 2. ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज़ एन इज इक्वल्स टू, ये सेम है y1 माइनस y2, डिनोमिनेटर बिकम सेम y1 माइनस y2. अभी इसकी वैल्यू जो भी है डिनोमिनेटर की, y1 इज़ पॉजिटिव एंड y2 इज़ नेगेटिव, दैट वी हैव टू केप्ट एज इट इज़ वाइल कंसिडरिंग इट ऑन द न्यूमरेटर, राइट? सो क्या हो जाएगा, माइनस y2, सो y माइनस y2 हो जाएगा. यहाँ पे y2 कंसिडर किया है इसीलिए इसके साथ नॉर्मल वेक्टर n1 आएगा, प्लस यहाँ पे y1 पॉजिटिव है, सो y1 माइनस y2 और इसके साथ क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर n2 आ जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Phong शेडिंग. सो इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ कि इट विल जो भी मैच बैंड है
डिसएडवांटेज है क्रिएटेड बाय द गॉड शेडिंग विच इज़ ओवरकम बाय द फॉग शेडिंग. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस. इट हाईलाइट्स आर डिस्प्लेड इन मोर रियलिस्टिक वे, greatly reduces the match band effect of gaud shading and provide more accurate shading. And disadvantages, need more calculation, computationally expensive. So this is all about the fong shading.